हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी सेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करके बताने वाला हूँ, हाइड्रोलिक सिस्टम के रिलेटेड। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर गेज लगा हुआ होता है। तो क्यों यह प्रेशर गेज लगा हुआ होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में? दोस्तों, आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के हाइड्रोलिक मशीन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिक के मशीन होते हैं, जैसे कि एक्सकेवेटर होता है, प्रेस मशीन होता है, और कई सारे पावर फैक्स यूज़ किए जाते हैं फिक्चर्स में, या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी में, या फिर अलग अलग मशीनरी में हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किया जाता है, ट्रक में, या फिर हैवी ट्रक में, या फिर अलग अलग अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो हर एक इक्विपमेंट का फंक्शन अलग अलग होता है, और उसका लोड, उसका कैपेसिटी, और उसके अंदर जो भी एक वर्किंग कैपेसिटी होता है मशीन का, वह अलग अलग होता है। तो डेफिनेटली है, जितना ज़्यादा लोड आएगा, जितना ज़्यादा उसका वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, उसमें प्रेशर भी उतना ही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लोड वाला मशीन है, तो उसमें अगर कम प्रेशर रहेगा तो मशीन नहीं काम करेगा। तो इसके लिए अलग अलग मशीन में अलग अलग प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ होता है, तो यह प्रेशर गेज किस तरह से हेल्प करता है आपको? दोस्तों, एक्चुअली अगर मशीन में कहीं प्रॉब्लम होता है, तो वह आप प्रेशर गेज के मदद से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मशीन में प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, तब भी हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आपका होजेस बस्ट हो सकता है, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्चुएटर्स डैमेज हो सकता है, अलग अलग सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। और इस तरह से अगर प्रेशर बहुत कम होता है, तो भी अगर प्रेशर कम रहेगा तो उसका पावर भी कम रहेगा, और वह पावर कम होगा तो आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है वह उतना काम नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए। या फिर प्रेशर अगर नहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि पंप तो चालू है लेकिन प्रेशर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, या फिर कहीं से लीकेज है, एक्चुअल जो कॉजेस है वह प्रेशर गेज की मदद से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मान लो कि आपके सिस्टम में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो आप प्रेशर गेज के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और आपको वो प्रॉब्लम ढूंढने में प्रेशर गेज एक ऐसा टूल है जो आपको डायरेक्ट हेल्प करता है, और आपको ट्रबल शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर गेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी ने अगर आपको यह सवाल पूछे कि प्रेशर गेज क्यों यूज़ होता है, तो डेफिनेटली यह सिस्टम में कितना प्रेशर है वो बताता है, और आपको मेंटेनेंस एक्टिविटी करने के लिए आपको गाइड करता है, एक साइन देता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एक डायरेक्टली आपको उस पॉइंट पे लेने के लिए हेल्प करता है जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है। पंप में हो, वॉल में हो, इंटरनल लीकेज की बात हो, या फिर अलग कौन सा भी प्रॉब्लम हो, वह आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेशर गेज हेल्प करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हाइड्रोलिक प्रेशर गेज कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और क्या रीज़न होता है हाइड्रोलिक प्रेशर गेज यूज़ करने के लिए, तो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।